सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकोस्टिक बनिया एंड यार आज का हमारा गिटार लेसन इज तोड़दा है दिल बाय हमी व्रक। तो एकदम नया गाना है, एकदम लेटेस्ट गाना आया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है आप सभी के लिए। सो सॉन्ग वॉज स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय शिवाय, जानवी एंड नदीम। तो इन तीनों के लिए यार आज स्पेशली ये गिटार लेसन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए भी। तो यार अब हम करने के वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा गाना सुनेंगे, इसका मतलब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको गा के दिखाऊंगा, देन इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग आपको बताऊंगा एंड देन फाइनली लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा गाना आपके लिए कवर अप करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाए कि कैसे गिटार लेसन होने वाला है। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइज यार कुछ ऐसा हमारा गाना था, अभी एक बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको गा के दिखाया बिकॉज मैनी ऑफ यू नो कि पंजाबी मेरी बड़ी वीक रहती है, तो मेरे को ये एक्सट्रैक्ट भी आया है, स्वेयर मेरे को बहुत देर में याद हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको मैंने थोड़ी सी लीड्स इसकी सुनाई, लीड्स काफ़ी सिंपल हैं इसकी, ज़्यादा कोई मतलब मुश्किल वाली चीज़ नहीं है एंड डिस्क्रिप्शन में उन लीड्स को मैंने मेंशन कर दिया है कि कैसे वो प्ले होने वाली हैं। तो मैं उनको आपको एक मतलब हल्का सा बताता हूँ, जैसे अभी हमारा कैपो सेकंड पर है तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग में जाता हूँ तो यानी ये सेकंड फ्रेट प्ले हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग का, तो यानी मैंने इसको 12 मेंशन करा है, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। सो वहाँ पे आपको 12 दिख जाएगा, 12 का मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और ऐसे ही सारे कोड्स चलते रहेंगे, पहले स्ट्रिंग नंबर एंड देन उसका फ्रेट नंबर लिखा होगा, तो आपको उन्हीं के हिसाब से प्ले करना है यार। तो ये हमारी लीड्स हो गई, अब लीड्स के बाद यार तो मैं आगे का गाना दिखाता हूँ, इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग बताता हूँ आपको एंड देन फाइनली गाना लाइन बाय लाइन बताऊँगा। तो देखते हैं आगे का पार्ट इसका। ओके सो गाइस यार गाना तो हम सुन चुके हैं, अब गाना सुनने के बाद इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यार केपो हमारा लग जाएगा सेकंड फ्रेट पर, और केपो सेकंड फ्रेट पर लगने के बाद हमारी पहली कॉर्ड होगी ए माइनर, बिकॉज गाना हमारा बी माइनर के स्केल में है। सो फर्स्ट कॉर्ड विल बी ए माइनर, ओके, सेकेंड कॉर्ड विल बी ई माइनर, थर्ड वन विल बी सी मेजर एंड फोर्थ वन विल बी जी मेजर। ठीक है, तो ए माइनर, ई माइनर, सी एंड जी, ये चार कॉर्ड्स हमारी इस गाने के अंदर लगने वाली हैं यार, और बस कॉर्ड्स यही थी। अब कॉर्ड्स के बाद इसकी बताता हूँ तो मैं स्ट्रमिंग, तो स्ट्रमिंग हमारी कुछ चलेगी कुछ ऐसी, डाउन 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 अप डाउन अप। तो कैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन कंप्लीट डाउन देन हाफ डाउन्स, तो डाउन 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 दो हाफ डाउन्स, देन अगेन डाउन 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 दो हाफ डाउन्स फिर से, देन डाउन अप डाउन अप। तो थोड़ा सा स्लो में दिखाता हूँ आपको फिर से, 3 2 1 गो। कुछ ऐसी हमारी इसमें चलने वाली है स्ट्रमिंग। तो कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग यार हमारी यही थी इस गाने के अंदर, बाकी अब आगे इसका दिखाता हूँ तो मैं सॉन्ग पार्ट, तो उसमें नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस यार गाना देख चुके, कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग भी देख चुके, अब फाइनली लाइन बाय लाइन तुम्हें गाना बताता हूँ। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया केपो सेकंड पे लग गया, अब हमारा पहला इसमें पैटर्न चलता है ए माइनर, देन सेकंड कॉर्ड इज ई माइनर, थर्ड वन इज सी मेजर एंड फोर्थ बैक टू ए माइनर। ठीक है, तो ये लाइन कैसे प्ले होगी, हो मैनू देवो ना वफा मैनू धोखा दे दो, ए माइनर ई माइनर, नेक्स्ट लाइन धोखे विच बड़ा ही स्वाद हुंदा है, तो सी धोखे विच बड़ा ही वापस ए माइनर स्वाद हुंदा है,
ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा चेंज आ रहेगा। अब क्या होएगा, ए माइनर, ई माइनर, जी एंड ए माइनर। अब इसके अंदर ई माइनर थोड़ी लंबी स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो जेड़ा दिल तो ने भावे ओनु पूछे कोई ना, जैसे पहली लाइन में अगर आपने, ठीक है। अब यहाँ से ई माइनर से ही शुरू होगी हमारी दूसरी लाइन, जो तोड़दा है दिल, पूरी माइनर, ओ ही याद रहंदा है जी, ओ ही याद रहंदा है जी के एकदम बाद ए माइनर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पूरा कैसे रहा, हो मैनू देवो ना वफा वा मैनू धोखा दे दो, धोखे विच बड़ा ही स्वाद हुंदा है, ए माइनर, ई माइनर, सी ए माइनर, जेड़ा दिल तो ने भावे ओनू पूछे कोई ना, ए माइनर, ई माइनर, जेड़ा तोड़दा है दिल ओही याद रहंदा है, E माइनर, G एंड A माइनर, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट था जो मैंने भी आपको कवर अप करके दिखाया। इसके बाद हमारा आता है स्टैंजा पार्ट, काफ़ी इजी होने वाला है, तो उस पर अब नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसा होने वाला है। ओके सो गाइस, नाउ कमिंग टू द स्टैंजा पार्ट। अब स्टैंजा पार्ट में हमारी लगती है एक पैटर्न लगता है, विच इज़ A माइनर, सेकेंड कॉर्ड इज G मेजर, थर्ड वन इज E माइनर एंड फोर्थ वन इज C मेजर, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला पार्ट आता है, तो ए माइनर एंड जी, गल्ला सी सचिया लाए बहाने सी, सो गल्ला सी सचिया लाए बहाने सी, सो ए माइनर एंड सी। मतलब मेरे को लिरिक्स थोड़ी देखनी पड़ती है सपोर्ट के लिए, बिकॉज मेरे को पंजाबी बड़ी मुश्किल से लर्न होती है। सो हमारी जो नेक्स्ट दो लाइंस हैं वो भी इसी की जैसी सेम होंगी, ए माइनर, जी, ई माइनर एंड सी पर। अब इसके बाद हमारा आता है वही पार्ट जो हमने इंट्रो में करा था, कैसे थे सारे आधे गल जिस माते रुकी है, यानी वही वाला पार्ट, ए माइनर, ई माइनर, ई माइनर थोड़ा फिर लंबा स्ट्रेच, देन जी एंड ए माइनर। तो ए माइनर, ई माइनर, जी एंड ए माइनर का हमने जो पैटर्न स्टार्टिंग में करा था इंट्रो के अंदर हमारे, वो वाला हमारा पैटर्न आएगा कैसे, थे सारी आधे गल अस माते रुकी है, ए माइनर, ई माइनर, रू रूहा वाला प्यार बर्बाद हुंदा है, तो रूहा वाला प्यार, ई माइनर हमारी स्ट्रेच होगी पिछली वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन पे, रूहा वाला प्यार बर्बाद हुंदा है, जी छोटे टाइम के लिए एंड वापस ए माइनर पे, फिर वही हमारा कोरस पार्ट ए माइनर वाला, मतलब ये जो हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉम्बो था, हमारा पहला पैटर्न था, वही हमारा वापस रिपीट हो जाएगा। तो बस यार, गिटार लेसन हमारा आज का इतना ही था, काफ़ी सिंपल, काफ़ी छोटा सा ये गाना था हमारा। और अगर यार वीडियो तुम्हारी हेल्प की हुई, तुम्हें पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि बेल आइकन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे आने वाले गिटार लेसन्स एंड कवर्स तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल रहे हैं देखने को, और तुम उन्हें आगे देख के बढ़ते रहो, सीखते रहो और नए नए गानों को प्ले करते रहो। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।